गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा बाइल डक्ट स्टोन्स के बारे में। जो बाइल डक्ट स्टोन्स हैं या पित्त की नली में जो पथरी बनती है, ये कभी कभी काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ये इतनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि आपको इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है और आपको हॉस्पिटल भेज सकती है। आज मैं बात करूंगा बाइल डक्ट स्टोन के कारणों के बारे में। अब कुछ सच्चाई है जो आपको समझने की जरूरत है। जो गाल स्टोन है या जो गाल बर्डर में स्टोन्स हैं, वो बनते तो गाल बर्डर में ही हैं, लेकिन कभी कभी कोई स्टोन ऐसा होता है जो गाल बर्डर से स्लिप होके पित्त की नली में आ जाता है या बाइल डक्ट में आ जाता है। ये जो बाइल डक्ट में स्टोन आ जाते हैं, इन्हें साइंटिफिकली कहा जाता है कोलिडोकोलिथियासिस। इसको बाइल डक्ट कैलकुलाई भी लेबल किया जाता है। तो कोलिडोकोलिथियासिस, बाइल डक्ट स्टोन या बाइल डक्ट कैलकुलस, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। जब हम बाइल डक्ट स्टोन की बात करते हैं या पित्त की नली की स्टोन की बात करते हैं, ये सिंगल हो सकते हैं, ये मल्टीपल हो सकते हैं या कई सारे हो सकते हैं, ये छोटे हो सकते हैं, ये बड़े हो सकते हैं। नो सिचुएशंस को अगर आप ध्यान से देखें तो तीन सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। नंबर वन, आपका जो पित्त है वो आपके शरीर के अंदर मौजूद है, इसका मतलब गॉलब्लैडर है, पित्त की नली है। तो गॉलब्लैडर में स्टोन है और पित्त की नली में स्टोन है, तो एक सिचुएशन ये है कि गॉलब्लैडर में स्टोन है, इन पित्त की नली में स्टोन है। दूसरी सिचुएशन है कि गॉलब्लैडर में स्टोन नहीं है लेकिन पित्त की नली में स्टोन है या बाइल डक्ट में स्टोन है, ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन ये है कि आपको गॉलब्लैडर में स्टोन थे, आपने ऑपरेशन करा दिया, अब आपको बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट या पित्त की नली, उसमें स्टोन डेवलप हो गया। तो ये तीन ही सिचुएशंस खड़ी होती हैं जब हम बाइल डक्ट की स्टोन की बात करते हैं। पहली सिचुएशन है कि गॉलब्लैडर में स्टोन है और पित्त की नली में स्टोन है, नंबर वन। सेकंड सिचुएशन है कि गॉलब्लैडर बिल्कुल खाली पड़ा है, उसमें कोई स्टोन नहीं है लेकिन पित्त की नली में स्टोन है। इन थर्ड सिचुएशन है कि आपने गॉलब्लैडर को ऑपरेशन करा दिया, गॉलब्लैडर एब्सेंट है और अब पित्त की नली में स्टोन बन गया। ये तीनों सिचुएशंस तैयार हो सकते हैं। जब भी पित्त की थैली का ऑपरेशन हो जाता है, इन गॉलब्लैडर रिमूव हो जाता है, तो जो स्टोन है वो दो सिचुएशंस में आ सकते हैं। नंबर वन इज नोन एज द रेसिडुअल बाइल डक्ट स्टोन, इन द सेंस कि अभी आपने गॉलब्लैडर का ऑपरेशन कराया, उसके चार दिन बाद ही फिर से पेट में दर्द उठा या आंख में पीलापन हुआ, या ना आपने जांच कराई तो पता लगा कि अरे पित्त की थैली जो नली है उसमें तो स्टोन दिखाई दे रहा है। तो भी चार ही दिन पहले आपकी पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है या गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो गॉलब्लैडर के ऑपरेशन के तुरंत ही बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इन जांच में आता है कि ये पित्त की नली में या बाइल डक्ट में स्टोन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एक रेसिडुअल स्टोन था। ये जो रेसिडुअल बाइल डक्ट स्टोन है, ये दो कैटेगरी में आते हैं। कभी ऐसा होता है कि जब गॉलब्लैडर ऑपरेशन किया जा रहा है तो जब उसको कट करके निकाला जाता है तो कोई स्टोन स्लिप हो जाता है, इन बाइल डक्ट के अंदर आ जाता है। या दूसरी सिचुएशन है कि जब आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, जब आपकी जांच हुई, तो जो बाइल डक्ट का स्टोन है वो पहचान में नहीं आ पाया और गॉलब्लैडर में जो स्टोन थे वो पहचान में आए, तो ऑपरेशन होकर आपका गॉलब्लैडर बाहर निकाल दिया गया, लेकिन चूंकि पित्त की नली का स्टोन या बाइल डक्ट का स्टोन आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, वो वहीं पड़ा रहा। तो इसे कहते हैं रेसिडुअल बाइल डक्ट स्टोन। द सेकंड वन इज द रिकरेंट बाइल डक्ट स्टोन, कि आपकी पित्त की थैली का ऑपरेशन 10 साल पहले हुआ, आप बिल्कुल 10 साल तक ठीक थे, अचानक से पेट में दर्द होना चालू हुआ और आपने जांच कराई तो पता लगा कि आपकी पित्त की जो नली है या बाइल डक्ट है उसमें स्टोन है, इसका मतलब यह है कि इस समय के अंतराल के साथ तो आपको बाइल डक्ट में स्टोन डेवलप हो गया, इसे कहते हैं रिकरेंट बाइल डक्ट स्टोन। नाउ जरा इन सच्चाई को भी देखिए कि जो स्टोन्स हैं ये वास्तव में गॉलब्लैडर में ही बनते हैं, ये गॉलब्लैडर में ही बनते हैं क्योंकि गॉलब्लैडर में ही जो बाइल है वो स्टोर होता है। नाउ जहां तक गॉल स्टोन या गॉलब्लैडर स्टोन्स की बात है, या तो ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं या ये पिगमेंट से बनते हैं, बिलरुबिन जैसा जो पिगमेंट है, या कभी मिक्स्ड स्टोन्स होते हैं। अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो जो ना ओवरऑल जितने भी गॉलब्लैडर स्टोन्स की बात होती है, तो 9% फीमेल्स इन द वर्ल्ड, एडल्ट फीमेल्स आई एम टॉकिंग ऑफ, दे डेवलप गॉलब्लैडर स्टोन्स। ऐसे ही 6% मेल्स इन द वर्ल्ड, दैट इज एडल्ट मेल्स, ये वास्तव में गॉलब्लैडर स्टोन उनको डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जब भी गॉलब्लैडर स्टोन होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर एक को सिम्टम होंगे या वो परेशान करेंगे ये, लेकिन जैसे जैसे साइज में बढ़ते हैं
या ये कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्लिप हो जाए, बाइल डक्ट के अंदर आ जाए, या स्लिप हो और सिस्टिक डक्ट या पित्त की नली के मुंह में जाके फंस जाए, तब ये सिम्टम्स देते हैं या बहुत सारा पेन लेके आते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो स्टोन्स हैं वो जो गॉलब्लैडर है उसे मूव करके जो पित्त की नली है उसमें आ सकते हैं। देखिए, जो बाइल डक्ट है उसका काम है कि जो पित्त बनता है लिवर में वो गॉलब्लैडर में आता है, तो लीवर को और गॉलब्लैडर को आंत से जोड़ने का काम है, ये वास्तव में बाइल डक्ट करती है। ये बात सही है कि जब भी गॉलब्लैडर में स्टोन होते हैं तो माइनॉरिटी ऑफ द स्टोन्स जो है ना वास्तव में बाइल डक्ट में स्लिप हो जाते हैं। जब बहुत छोटे स्टोन होते हैं तो ये भी बात सही है कि बाइल डक्ट से वो स्लिप होकर आंत में भी जा सकते हैं, बट अगर वो आंत में नहीं गए, इन बाइल डक्ट में ट्रैप होते रहे, इन्होंने ब्लॉक किया, तभी वास्तव में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो भी बाइल डक्ट में स्टोन होगा और वो बाइल डक्ट को ब्लॉक करेगा, और एक बार ब्लॉक करेगा तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, इमरजेंसी खड़ी हो जाएगी। तो जो बाइल डक्ट स्टोन है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आपके सामने आ जाएगा। नंबर वन इज द सीवियर पेन, अनबियरेबल पेन होगा जो बर्दाश्त के बाहर होगा। तो दर्द गॉलब्लैडर स्टोन एंड बाइल डक्ट स्टोन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बाइल डक्ट में जब भी स्टोन होगा तो दर्द आएगा, पित्त की नली में स्टोन होगा दर्द आएगा। नाउ दर्द जब भी होगा उसके साथ पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि बहुत तेज बुखार आएगा। जो तेज बुखार आएगा वो ठंड देके बुखार आएगा। तो बुखार आया, ठंड दे के आया और पेट में ऊपर की तरफ दर्द हुआ, तो बाइल डक्ट जो स्टोन है हमेशा क्वेश्चन में आ जाता है। नंबर तीन, इसके साथ कभी जॉन्डिस हो जाते हैं या पीलिया हो जाता है, तो दर्द आया, ठंड दे के बुखार आया और आंख पीली हो गई। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन है तो और भी शंका हो जाती है कि कहीं बाइल डक्ट में स्टोन तो नहीं है। कभी जो बाइल डक्ट का स्टोन है वो थोड़ा नीचे की तरफ अगर फंस जाता है तो एक अंग नीचे होता है जिसे पेनक्रियास कहते हैं, जिसे हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं, पेनक्रियास में अटैक आ सकता है, तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगी। जो पेनक्रियाटाइटिस है वो सीरियस बीमारियों की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स आते हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए बाइल डक्ट स्टोन के साथ में। जी मिचलाएगा, उल्टी होगी, यानी दर्द भी हो रहा, जी मिचला रहा, उल्टी भी हो गई। अगर जॉन्डिस डेवलप होगी तो पूरे शरीर में खुजली चालू हो जाएगी। इसके अलावा अगर पेनक्रियाटाइटिस हुई तो पेट ऐसा तन जाएगा। अगर बाइल डक्ट पूरी तरह से ब्लॉक है तो जो लेटरिन है उसका कलर व्हाइट हो जाता है। अगर बाइल डक्ट स्टोन सीवियरली सिम्टोमेटिक है तो ब्लड प्रेशर कम होने का डर है। इन इस चीज की संभावना है कि अगर ज्यादा इंफेक्शन हुआ तो कुछ कंफ्यूजनल स्टेट या जो दिमाग है उसका जो एक कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो कभी कभार गड़बड़ होने लगता है। अगर हम काजेस को ध्यान से देखें कि बाइल डक्ट में स्टोन क्यों होते हैं, क्यों बनते हैं, तो देखिए जो भी चीज गॉलब्लैडर में स्टोन बनाएगी वही चीज बाइल डक्ट में भी स्टोन बनाने की ताकत रखती है। यह बात सही है कि जो बाइल डक्ट में स्टोन है वो डिनोवो भी डेवलप हो सकते हैं कि गॉलब्लैडर में कुछ नहीं है, सिर्फ बाइल डक्ट में स्टोन हो गया। या ऐसा भी हो सकता है गॉलब्लैडर में भी स्टोन बन रहा, बाइल डक्ट में भी स्टोन हो रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि गॉलब्लैडर में स्टोन बना और स्लिप होकर बाइल डक्ट में आ गया। तो जो भी फैक्टर्स ऐसे हैं जो गॉलब्लैडर में स्टोन बनाते हैं वही फैक्टर वास्तव में बाइल डक्ट में भी स्टोन बनाते हैं। बट साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि देयर आर सर्टेन पीपल जो हाई रिस्क में होते हैं फॉर स्टोन फॉर्मेशन। अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स को ध्यान से देखें, कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। उन रिस्क फैक्टर्स को देखिए, जहां तक एज का सवाल है, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी गॉलब्लैडर स्टोन एंड बाइल डक्ट स्टोन की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती चली जाएगी। दैट्स नंबर वन, एज आपके कंट्रोल में नहीं है। नंबर टू इज द जेंडर। जहां तक हम पूरी स्टडीज को देखें तो जो गॉलब्लैडर के स्टोन हैं या बाइल डक्ट के स्टोन हैं वो हमेशा फीमेल्स में ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो अगर फीमेल सेक्स है तो पॉसिबिलिटी ऑफ गॉलब्लैडर स्टोन, पॉसिबिलिटी ऑफ बाइल डक्ट स्टोन हमेशा ज्यादा है। जो जेंडर है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। नंबर थर्ड वन इज द एथनिसिटी। अगर हम एथनिसिटी को ध्यान से देखें, जो गॉलब्लैडर स्टोन्स एंड बाइल डक्ट स्टोन्स हैं वो एशियन पॉपुलेशन में ज्यादा हैं, वो अमेरिकन इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादा हैं। अगर हम इंडिया को भी देखें तो जो नॉर्थ इंडिया है, इन द सेंस जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये वाला जो एरिया है या जिसे आप गंगा का कछार कहते हैं या गैंगेटिक बेल्ट कहते हैं, इस एरिया में ही गॉलब्लैडर में स्टोन एंड बाइल डक्ट में स्टोन, इनका इंसिडेंस ज्यादा है। ये जो स्टोन्स हैं ये सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। ये जो बाइल डक्ट के स्टोन हैं ये छोटे छोटे हो सकते हैं, ये बड़ी साइज के स्टोन्स हो सकते हैं। नंबर चार इज द फैमिली हिस्ट्री। अगर
आपके घर में किसी को गॉलब्लैडर स्टोन है, पर्टिकुलरली पेरेंट्स, मान लीजिए आपकी मदर को गॉलब्लैडर में स्टोन था, शी अंडरवेंट ऑपरेशन, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि आपको गॉलब्लैडर स्टोन डेवलप हो जाएगा। शायद जो जेनेटिक्स है वो कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं एज फार एज द डेवलपमेंट ऑफ द गॉलब्लैडर स्टोन्स। नाउ कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी है, यू आर रिस्क ऑफ डेवलपिंग गॉलब्लैडर स्टोन एंड बाइल डक्ट स्टोन, तो वजन कम करिए। अगर आप लो फाइबर डाइट खाते हैं, हाई कैलोरी डाइट खाते हैं, हाई फैट डाइट खाते हैं, तो ओबेसिटी तो होगी होगी, आपको एक रिस्क ज्यादा डेवलप हो जाएगी गॉलब्लैडर एंड बाइल डक्ट स्टोन होने का, तो इसलिए डाइट पर ध्यान दीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान गॉलब्लैडर स्टोन्स एंड बाइल डक्ट स्टोन होने की संभावना बढ़ती है बिकॉज द वे हार्मोनल चेंजेस। तो उस वो कुछ ऐसा फैक्टर है कि अगर आप मूव करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट पे ध्यान देंगे, तो स्टोन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। नंबर चार, प्रोलॉन्ग जो फास्टिंग है या जो फास्टिंग डाइट्स हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत सारी डाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें आप लंबे समय फास्ट रहते हैं, वो वास्तव में इस चीज का रिस्क खड़ा करता है कि आपको बाइल डक्ट एंड गॉलब्लैडर में स्टोन डेवलप तो नहीं हो जाएंगे। नंबर पांच, आपने किसी भी प्रोसीजर से रैपिड वेट लॉस किया कि आपने 2 महीने के अंदर 15 किलो वजन कम कर दिया, तो सडनली जो वेट लॉस होता है वो गॉलब्लैडर स्टोन होने की जो पॉसिबिलिटी, बाइल डक्ट स्टोन होने की पॉसिबिलिटी, इसको ऊपर की तरफ ले जाता है। नंबर छह, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप लगातार काउच पे लेटे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, चिप्स खाते रहते हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो द पॉसिबिलिटी ऑफ गॉलस्टोन हमेशा बढ़ जाती है। देखिए, फैक्ट यही है कि अगर गॉलब्लैडर में स्टोन है तो पॉसिबिलिटी बाइल डक्ट में स्टोन की बढ़ती है, लेकिन क्या ऐसा है कि अगर गॉलब्लैडर स्टोन अलग हो जाए तो फिर बाइल डक्ट स्टोन नहीं होते? देखिए, ये जो चीज है ये 100% ट्रू नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपका गॉलब्लैडर नहीं है तो आपकी रिस्क बाइल डक्ट स्टोन के 100% एलिमिनेट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका जो गॉलब्लैडर निकाला गया वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ, पार्शियली रिमूव हुआ, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि दोबारा स्टोन बन जाएंगे एंड बाइल डक्ट स्टोन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नंबर दो, अगर आपको गाढ़ा पित्त बनता है या जो बाइल है वो लिथोजेनिक है या बाइल है वो थिक है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि आपको गॉलब्लैडर के ऑपरेशन के बाद भी जो बाइल डक्ट स्टोन है वो बन जाएगा। तो जहां तक बाइल डक्ट स्टोन का सवाल है, दीज आर सीरियस प्रॉब्लम्स। जो बाइल डक्ट स्टोन है किसी दवा से जाता नहीं है, बाइल डक्ट स्टोन ऐसा है कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, उसको रिमूव कराना पड़ेगा। बाइल डक्ट स्टोन इमरजेंसी लेके आ सकता है। अगर आप समझते हैं कि बाइल डक्ट स्टोन के इन एंगल्स को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।